हेलो भाई जी, नमस्कार। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जो मैंने फेसबुक में कल आपने बोला था कि आज आप बात करेंगे, तो वही व्यक्ति बोल रहा हूँ जी। बताइए भाई जी, कंसर्न था मेरा। मैंने जैसे राजीव दीक्षित जी को सुना, आपको भी मैंने सुना, तो अभी पिछले वीक मेरी बेटी हुई है, 6 दिन की हो गई है वो। और जो उसको फर्स्ट टीका लगता है, मैंने उसको अवॉइड करवा दिया डॉक्टर को स्पेशली रिक्वेस्ट करके कि नहीं देना है। उन्होंने फॉलो किया उस चीज को। अब आगे भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं उसको एक भी टीका ना दूं, संशय ना रखो, क्योंकि मैं उसको स्वर्ण प्राशन देना स्टार्ट कर दिया पहले दिन से। तो मेरा ये विषय है कि वैक्सीन की एक भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी वैक्सीन मैं उसे ना दूं, काफी है भाई जी स्वर्ण प्राशन उसके लिए। स्वर्ण प्राशन तो पर्याप्त है, हम तो अपने बच्चों को भी देते हैं। जी जी, लेकिन जैसे राजीव दीक्षित जी को मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे कि पहले चेचक का एक टीका जो हमारे यहाँ लगता था, जिसको फिर बाहर पेटेंट करवा दिया डॉक्टर ओलिवर ने, तो मैं उसको सुन के मुझे मन में आया कि चेचक का जब एक छोटा सा एक सुई की तरह हमारे यहाँ होता था, जो हमारी देन थी, तो फिर क्या ये होना चाहिए क्या? जैसे हमारे पिताजी के कंधे पे यहाँ पे एक निशान होता था, जो हमारे में नहीं होता या मेरे में नहीं है, तो शायद मैं जानकारी के अभाव में कहीं बच्चे के साथ गलत तो नहीं करूँ कि नहीं, कुछ एक तो देना चाहिए शायद, तो वो आपसे जानना था। तो आप मतलब केवल वो चेचक की बात सुन के आपके मन में संदेह आ गया? नहीं नहीं, बात संदेह की नहीं भाई जी, क्योंकि मैं कंप्लीट जानकारी नहीं है मेरे पास। जैसे मैंने आपको सुना कि आपने एक भी नहीं दिया, आपने स्वयं के बच्चे को भी आपने नहीं दिया। और मैंने अपनी एक जो मेरी बेटी है, उसका 2 साल के बाद तो मैंने उसको वो भी देना छोड़ दिया, जो 2 साल तक जो उसका लगा, जानकारी के भाव में लग गया, आगे उसे एक भी नहीं लगा। चेचक वाले के ऊपर क्या समझ में आया आपको? आप मुझे थोड़ा बताइए क्या एग्जैक्टली आपको लगा चेचक का, चेचक का टीके का क्या मतलब समझ में आया आपको, कि वो सिरिंज से इंजेक्शन लगाते होंगे उस टाइम? नहीं, जैसे राजीव भाई जी का एक व्याख्यान था, नहीं तुम बता रहे थे कि का क्या अर्थ हुआ कि चेचक का टीका का मतलब, जैसे पोलियो का टीका बोलते हैं जी, तो पोलियो का टीके में पोलियो को टीका सुई से लगता है वैसे डालते हैं वो मुंह से देते हैं, ओरल जो देते हैं, टीका तो उसको भी बोला जाता है ना जी, उसको भी बोला जाता तो है। जरूरी तो नहीं कि सिरिंज से दिया जाए, तो चेचक के अलावा बाकी टीके क्यों नहीं बनाए हमने? आवश्यकता नहीं होगी भाई जी, लेकिन चेचक का जैसे मैं राजीव भाई जी को जो मैंने सुना कि वो जिसको ऑलरेडी चेचक है, तो उसके शरीर का एक पस का छोटा सा मात्रा सुई में लेके हम दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो चुभा देते थे, ताकि उसके प्रति वो इम्यूनिटी जो है वो बनती जाए और वो आगे के लिए सेफ रहे। जैसे कि ये था चेचक का जो पुरानी पद्धति थी, हमें जो लगता था सिरिंज के फॉर्म में लगता था, जो भी बच्चों के उनको लग रहा है। तो मेरे मन में ये संशय है कि वैक्सीन नहीं देना है, ये मैं श्योर हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है, स्वर्ण प्राशन मैंने बच्चों को दिया हुआ, लेकिन क्या कुछ ऐसा है क्या कि एक आध जो है वो लगनी चाहिए जो हमारी भारतीय पद्धति में है, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ? आपकी भारतीय पद्धति के हिसाब से कौन सा टीका बन रहा है आज बताइए मुझे। जैसे मैं आपको बताया ना सर, जो मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ बार बार, नहीं, 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 भारतीय पद्धति के हिसाब से कौन सा बन रहा है? मुझे पता टीके बन रहे हैं, भारतीय पद्धति के हिसाब से कौन सा टीका कौन सी कंपनी बना रही है मुझे बताइए आप। नहीं नहीं, कंपनी का कहीं जिक्र नहीं है। जैसे हमने टीका आप कैसे लगाओगे फिर? यही पे मैं कंफ्यूज हूँ भाई जी, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप हाँ। मैं आप जो कहना चाह रहा हूँ मैं समझ गया हूँ, मैं इतना समझदार तो हूँ तो, लेकिन मैं आप जो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना वो कि आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ कि टीकाकरण जो है वो ओरिजिनल स्वरूप में जो था वो स्वरूप आज रह गया है क्या टीके का? नहीं नहीं, वो नहीं रहा। फिर अब जो कंपनी का प्रोडक्ट बन गया है ना, मैं तो खुद कितनी बार अपने लेक्चर में बोला है कि भाई टीके में अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीके को प्रोडक्ट बनाकर जो इन्होंने आज हमारे सामने रख दिया है। अब उदाहरण के तौर पे एक फल का रस है मान लो, ठीक है, अब फल का रस है संतरे का, अपने आप में संतरे के रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, नहीं। लेकिन अगर आपने ट्रॉपिकन और रियल फ्रूट के नाम से उसको पैकेज करके 6-6 साल एक्सपायरी करके डालने के बेचना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम उसमें है ना जी। अब आप मुझसे ये कहो कि वीरेंद्र भाई जूस तो हमारे यहाँ पहले भी होता था जी, तो मैं आप अपने बच्चे को ये ट्रॉपिकन जूस क्यों ना दूं? जी 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 भाई, तो क्या समझ में आया फिर आपको? हाँ, तो आप ये कह के कि भाई जूस हमारे यहाँ तो होता था आयुर्वेद में, तो आप टॉपिकाना और रियल फ्रूट को जूस को देने के लिए थोड़ा ना आप ट्राई करने लगोगे? जी जी, समझ गया भाई, इससे आसान तो नहीं समझा सकता मैं जी। मैं समझ गया। तो अब एक जो मेरा इस पे दूसरा क्वेश्चन है जो इसी के संदर्भ में भाई जी,
कि क्या मैं स्वर्ण प्राशन देके निश्चित हो जाऊं और कोई भी टिके कि अब मैं कोई बात ही ना लाऊं मन। नहीं बिल्कुल निश्चिंत मत होइए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए भाई जी? कुछ नहीं, आप अपने कर्म सुधार लो, अपनी कमाई का जरिया पाप की कमाई मत करना, नहीं तो बच्चों को कभी जिंदगी में स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। जी जी, आप मतलब ये आप मतलब स्वर्ण प्राशन देने के बाद आप ये क्यों सोचते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में कुछ गलत नहीं होगा भाई जी? लेकिन जो इम्यूनिटी की हम बात करते हैं ना, नहीं नहीं सिर्फ आप नहीं समझो मेरी बात मेरे भाई, आप अभी गहराई से समझो मैं जो बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत मैं हल्की बात नहीं करता हूँ, मैं बात अगर सिंपल कर रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ गहरी बात कर रहा हूँ। जी, आपको जी, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन लगे हुए बच्चे और बिना वैक्सीनेशन लगे हुए बच्चों में जी, क्या वैक्सीनेशन जो लगता है उन बच्चों को कभी जीवन में कोई बीमारी या कुछ नहीं होता है क्या? होता है, या उनकी मृत्यु भी होती होगी? जी जी, एक्सीडेंट में हो चाहे किसी बीमारी से हो या एक्सवाइजेड किसी भी कारण से हो। जी जी, लेकिन अगर मान लो वैक्सीनेशन किसी बच्चे को नहीं दिया गया जी और स्वर्ण प्राशन दिया गया और उसके साथ कोई बीमारी हो जाती है जी, तो क्या कहा जाएगा कि वैक्सीनेशन नहीं लगे इसलिए बीमारी हुई या फिर इसलिए उसकी कोई शरीर जीवन के साथ कुछ घटित हो गया? ऐसा तो नहीं कहा जाएगा ना, या कहा जाएगा? नहीं कहेंगे लोग, क्योंकि उनको उनको ये लगता है कि वैक्सीनेशन अगर दे दिया उसके बाद कुछ भी घटित होगा उसका इल्जाम वैक्सीनेशन पे नहीं आएगा। लेकिन वैक्सीनेशन नहीं दिया और स्वर्ण प्राशन दे दिया या आयुर्वेद का कुछ दे दिया ना, उसके बाद बच्चे को तो बुखार के छींक भी नहीं आनी चाहिए। जी, ये लोगों का एजम्पशन है एक जी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो जाइए इस रूप में कि इसके अलावा कोई वैक्सीनेशन के या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ और देने की जरूरत है अगर आप। लेकिन आपका बच्चा घर में पिज्जा खा रहा है, आपका बच्चा घर में बाहर का सब कचरा दादा दादी लाड़ प्यार में खिला रहे हैं और फिर आप सोचें कि भी बच्चा 100% पी रहा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बीमार नहीं होगा। जी, तो खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। जी, मेरी बेटी 6 साल की उम्र तक तो उसने स्वर्ण प्राश भी नहीं लिया था, स्वर्ण प्राश तो 2018 से हमने पूरा ये लाया है, तो 6 साल की उम्र तक तो मेरी बेटी आराम से घर का खान पान खा के रही है, स्वर्ण प्राशन तो मिला ही नहीं उसको। जी, तो तभी स्वस्थ रही। तो एक है कि अगर स्वर्ण प्राश नहीं भी देंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा बशर्ते उसका खान पान जीवनचर्या ठीक है और माता पिता की कमाई का जरिया माता पिता जो है पुण्य कर्मों में है तो उसके पाप का फल बच्चे को नहीं मिलेगा बीमारियों के रूप में या किसी और रूप में। जी जी भाई, तो बहुत सारे फैक्टर, बस ये है कि हाँ स्वर्ण प्राश दे दोगे तो बच्चे की इम्यूनिटी औरों से बेहतर और जाएगी, सोने पे सुहागा होगा। बच्चा बिना वैक्सीनेशन के वैसे ही सोना बन गया, लेकिन सोना बताओ अगर स्वर्ण प्राश दे दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी भाई जी, तो भाई जी। ये फर्क है। जी जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ गया, समझ गया। जो मैंने बहुत सारे माता पिता देखे हैं जिनकी कमाई पिता जो है वो दुनिया की हाय लेकर कमाता है खान और वो सोचता है कि मैं उस पैसे से उस पाप की कमाई से अपने बच्चों को मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम दे दूं, सारी औषधियां आयुर्वेद की दे दूं तो बच्चा उसे स्वस्थ हो जाएगा, नहीं होने वाला। जी जी, मेरी बात समझ गया, समझ गया भाई जी। मतलब शुभ लाभ यहाँ का मैंने व्याख्यान सुना था। बात है, शुभ लाभ। अब हम गोदली में हमारे जो है जो हमारा ये हमारे को तो इतने प्रोडक्ट हम रख सकते हैं जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं रखते? अगर मेरे बच्चे को मैं वो नहीं दे सकता तो आपके बच्चे को कैसे दे दूं मैं? हाँ भाई, जिस दिन मैंने वो करना शुरू कर दिया तो पाप की कमाई हो गई ना, तो मेरे बच्चों के ऊपर असर आएगा नहीं आएगा? जी जी, तो मैं तो अपना प्रारूप बिगाड़ लूंगा। जी, तो भाई एक 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 टुच्चे दो टके के प्रोडक्ट्स के लिए मैं अपना प्रारूप बिगाड़ू तो इतना मूर्ख तो अब नहीं हूँ मैं, पहले तो था लेकिन अब नहीं हूँ ना। 10 साल पहले राजीव भाई को सुनने से पहले कभी रहा हूँगा? जी, अब तो नहीं, अब हिम्मत भी नहीं है हमारे अंदर। जी, वो उनको सुन के मैंने खुद अपने आप में काफी परिवर्तन देखा है भाई जी, विचारों में। हाँ, तो थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि हम अपने अंदर जो मैंने आपको बातें बताई, अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, शायद मैं पहली बार आपको उदाहरण दिया, मैंने इससे पहले किसी को दिया ही नहीं उदाहरण, क्योंकि ये मैं ऐसा कोई रटा रटा आंसर नहीं बोलता किसी को मैं, क्योंकि ये सब चीजें अंदर से निकल के आती हैं जब आप वास्तविकता में इस पर काम करते हैं, आप समझ रहे हैं ना? तो ये विवेक सबको डेवलप करना पड़ेगा। जी भाई जी, आप समझ रहे हैं ना? जी भाई जी, तो इसे करिए और निश्चिंत होके जो है जीवन में एक चीज को बस समझ जाइए। जी भाई जी, अपना शरणागति का भाव जी, उससे जीवन जिए जी, ये कंट्रोल मत करिए कि आपके जो पिता होने के नाते जो अभी आप मुझसे बात कर रहे हो जी, ये आपका पिता होने का कर्तव्य है जी, जी कि आप जानकारी ले रहे हो, अपनी संशय दूर कर रहे हो, संदेह दूर कर रहे हो,
ये आपका कर्तव्य निभाइए। हाँ, इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए निश्चिंत होकर अपने जीवन करिए। बच्चा बीमार होना होगा नहीं होना होगा आपके हाथ में नहीं है जी, लेकिन जी, आपने स्वर्ण प्राशन देकर उसको इम्यूनिटी देने का प्रयास किया, बस ये आपके हाथ में है जी। जी भाई जी, आप समझ रहे हैं ना, उसको अच्छी दिनचर्या देना आपके हाथ में है जी भाई जी, समझ रहे हैं ना जी। जी भाई जी, ये ध्यान रखिएगा भाई जी। दो मिनट और मैं आपसे ले सकता हूँ, एक दो सवाल थे और जी बताइए। पहले मुझे गैस्ट्रिक का एक बहुत इश्यू हुआ करता था रात को, स्पेशली सोने के टाइम पे। आपका एक रोहिणी ने जो व्याख्यान दिया हुआ था जिसमें आपने बताया था कि भोजन का पाचन करना ही हमें सीखना होगा, तो उसको देखते हुए मैंने दो बार का जो अपना रूटीन सेटअप किया था, दो बार का मैं खाना खा रहा हूँ भाई जी, बट खाते खाते शाम के 7 बज जाते हैं और एक मॉर्निंग का 10 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। इस बीच मुझे बहुत तीव्र भूख लगती है, जैसे दिन का लंच जो होता है अपना 2-2.5 बजे, क्योंकि पहले रूटीन वैसा था, 1 महीने से मैंने इसको चेंज किया हुआ है। तो इस बीच अगर हम कुछ फ्रूट्स भी खा लेते हैं तो क्या वो आप कर सकते हो? वो शुरुआत में ऐसा होता है, वो आदत, मतलब वो भूख शरीर की नहीं है, वो भूख जो है वो दिमाग की है जी जी। वो जो कृत्रिम भूख बोलते हैं जो आपने इतने सालों से आदत डलवा के करी हुई थी जी, तो वो इसीलिए वो भूख लग रही है, अदरवाइज वो भूख, और उस भूख को आप वो कर दोगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आपको अभी धीरे धीरे 1 महीना हुआ है आदत और डालनी है, तो आप धीरे धीरे कुछ फ्रूट, एक कोई फल वगैरह, मौसम का जो फल है उस मौसम का फल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आगे चल के थोड़ा उसको छोड़ने का प्रयास करिए, और शाम को 5 बजे तक खाना खाने का प्रयास करिए उसका। जी जी, वो एक करना है भाई जी, क्योंकि ड्यूटी में कुछ ऐसा सेटअप करना ही पड़ेगा। हो जाता है, वो हमने भी ऐसे किया था जो हम जॉब करते थे जी भाई जी। एक आखिरी सवाल भाई जी, जैसे मेरी बेटी जो थी वो अभी भी जो दूध पी रही है, पहले तो पूरा फुल बॉटल पी रही थी, 3 साल की है, माँ का दूध उसने 2 साल में छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो जर्सी गाय का दूध है वही यहाँ सप्लाई हो रहा है। देसी गाय का दूध जब मैं ढूंढने निकला तो यहाँ दूर दूर तक लोगों ने उसको रखना ही छोड़ दिया है, तो उसकी सप्लाई नहीं है। मैं रहता हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में, जो रायपुर से 40 किलोमीटर जी, तो वहां पे सप्लाई हो नहीं रही है। तो क्या अगर मैं बेटी का दूध ही छोड़ा दूं तो कहीं उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं करे, जो छोटा मोटा कैल्शियम मिलता था? हाँ, प्रोटीन जो नहीं, आप कैल्शियम वगैरह के लिए बच्चे को कैल्शियम ड्रॉप दे दो, लेकिन उसको गलत गाय का दूध मत पिलाइए, क्योंकि अब समझो देखो जो दूध पिएगी जी वो उसका असर उसके अंदर आएगा ना जी, तो वो जर्सी गाय के दूध का असर आएगा, तो जर्सी गाय का जैसा अभिवेकी और वो बनेगी तो क्या फायदा है उसका जी जी। तो जब तक ठीक दूध ना मिले तब तक आप उसको कैल्शियम ड्रॉप, कैल्शियम की कमी वगैरह जो अपना भोजन वजन सब कर रहे हो, घी खिलाओ उनको अच्छा जी जी भाई। अगर दूध नहीं मिलता तो घी खिलाइए बच्चों को, एक चम्मच आप डेली घी खिला दीजिए, जब घी उन्हीं के लिए है जो जिनको ताजा दूध नहीं मिल रहा है, सही दूध नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए घी है जी भाई जी, तो घी मंगवाइए, बस सिंपल ये करिए, नहीं तो गलत गाय का दूध मत पिलाइए, ये करके कि चलो कोई दूध जैसा कुछ पी रहे हैं ये तसल्ली करने के लिए जी, जी, गलत चीज का दूध मत पिलाइए उनको। वही एक बस माताओं की जो धारणा है और हम सुन रहे हैं तो हमारी धारणा में एक फर्क आ रहा है, तो उसके लिए हमने बीच का रास्ता ही क्वांटिटी ही कम कर दिया, बट उद्देश्य है कि इसको छोड़ना है, ये मैं इनको बोल रहा था। और ये लगा हो क्या होता है ना कि जो आज के डेट में जो महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर जिस प्रकार का व्यभिचार, जो टिकटॉक वगैरह सब पे दिख आते हैं, तरह तरह के वीडियो ना चाहते हुए दिख जाते हैं, जिसमें वो अपने अंगों को और अपने शरीर को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे मतलब घर में ही सबके जो है वैशाल्य खुल गए हों जैसे ना, तो ये जिस तरह का ये हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है कि ये जिस तरह का दूध इन्होंने पिया है ना, जर्सी गाय का पिया है, तो जर्सी गाय जब हीट में आती है ना तो आप देखोगे तो वो पागलों की तरह उछलती है जी, और उसके अंदर कोई संयम नहीं होता, कोई पेशेंस नहीं होता, शांत, मतलब एक जैसे एक शांत होता है, शांत होना कुछ नहीं होता, वो पागलों की तरह इधर उछलती है कि भाई हीट में है तो भाई मुझे संसर्ग करना है जी, जी। और वहीं जब देसी गाय जब आती होती है वो जब हीट में आती है तो किसी को पता भी नहीं लगने देती जी, शांत शांत रहती है बिल्कुल संयम के साथ, और उसी जगह जब जो देसी जो बैल जो नंदी होता है वो जो संसर्ग करता है तो बिल्कुल पेशेंटली करता है, वो एक बार में ही जो है वो अपना जो कार्य करके वो निपट जाता है। लेकिन जब आप देखोगे कि ये जो जर्सी का जो सांड होता है वो जो है पागलों की तरह कई बार वो संसर्ग करेगा
जी, ये सारे गुण जो हैं ये इनके दूध पीने वालों में भी आते हैं। ये आपने बहुत गहराई वाली बात बताई, लास्ट मैंने आपसे सुना, ये सोचने में विचार नहीं है बात की मेरे लिए। तो ये जो दूध जिसका पी रहे हो आप, तो दूध को उसका असर आएगा ही ना जी। तो बुद्धि विवेक के बिना जो है ये सब जो हो रहा है आज, इसी कारण तो हो रहा है कि सब थैली का दूध पी पी के बड़े हुए जी। तो इसीलिए बेहतर है कि बच्चे को वो दूध ना पिलाया जाए। ठीक ठीक जी भाई जी, समझ रहे हैं मेरी बात जी भाई जी। भाई जी एक और चीज, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ जिस ग्रुप से मैं हूँ वहाँ बॉडी डिटॉक्सिनेशन को लेके कुछ पद्धति चल रही है कि आप ये कुछ दिन तक किडनी साफ कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप लीवर क्यों कीजिए, फिर हफ्ते में एक बार कीजिए, क्या इन सबकी एक्चुअली आवश्यकता होती है भाई जी? डिटॉक्सिफिकेशन किस रूप में? हाँ जैसे 29 तरह के डिटॉक्सिकेशन के वो है तरीके हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, आंख हो गई, ऐसे 29 तरह के डिटॉक्सिकेशन के वो है तरीके। ये मैं ग्रुप में जहाँ जुड़ा हूँ तो वो खुद के घरेलू पद्धति से बताते हैं कुछ के जो सामान, जैसे जिप्सम सॉल्ट हो गया, जिप्सम सॉल्ट को आप इस तरह से यूज कीजिए, दिन में 3 बार लीजिए या छुट्टी के दिन लीजिए, ताकि उस दिन आपको बार बार वहां जाना पड़ सकता है शौच के लिए। तो इस तरह के कुछ मेथड्स है और लोग उसमें फीडबैक भी देते हैं कि इसको करने के बाद मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, ये प्रॉब्लम थी वो अब नहीं है, एलर्जी का इश्यू था वो नहीं है। तो क्या भाई जी ये जो तरीके हैं क्या प्राकृतिक हैं या ये रिकमेंडेड हैं? तो जिप्सम कहाँ से इंटेक कैसे करते हैं? सॉरी जिप्सम एप्सम सॉल्ट या जिप्सम सॉल्ट ही कुछ करो। एप्सम सॉल्ट कहाँ? अच्छा सॉल्ट जो है वो मार्केट में मिलते हैं जी। जी देखिए क्या है ना, ये जीवन में एक चीज है कि पहले तो कचरा खाओ जी जी, और उसके बाद फिर उस कचरे को निकालो जी। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपका अगर खान पान में उदाहरण के तौर पे घी, जैसे घी और खाने में आप काली मिर्च का ही प्रयोग करते हो जी, तो आपके शरीर से बहुत सारा डिटॉक्सिकेशन, मतलब कोई भी जैसे कहते हैं दुश्मन के घर जाओ जी, तो साथ में घी और काली मिर्च लेके जाओ जी, क्योंकि अगर उसने जहर खिला दिया अगर तो वो जहर को मतलब जिंदा मतलब बचा लेगी आपको जी भाई। तो जब आपके शरीर में कोई जहर विष अगर आ गया है तो उसको निकालने का तरीका जब एक सिंपल सा घी और काली मिर्च है जी, तो ये जो आर्टिफिशियल बाजार में से कुछ ऐसा सॉल्ट लेकर या कुछ भी लेकर डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो है ये केवल बाजारवाद के हिसाब से है और कुछ नहीं है जी, क्योंकि इसमें किसी एक को फायदा हो गया तो उसके पूरी दुनिया के लिए अप्लाई करने के योग्य समझ जाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है जी, क्योंकि जी, वो चीज किसी विदेशी को अगर फायदा करके जरूरी नहीं ना हमको करे जी जी। नहीं डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो बहुत तरीके हैं उसके, पंचकर्म है, हमारे यहाँ पंचकर्म है, उपवास हमारे यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन, आप महीने में 2 बार जो है एकादशी आता है जी, आप फिक्स करके एकादशी का व्रत करने का निश्चय ले लीजिए, आपका डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप ही हर साल महीने में 2 बार हो जाया करेगा अपने आप। तो ये सारे अंगों के लिए उतना ही इफेक्टिव है भाई? सारे अंगों के लिए भाई, मैं बोलता रहा हूँ जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा अगर आपने इसका एकादशी का उपवास रखना शुरू कर दिया। और एकादशी का उपवास एकादशी समझ के अगर भाई बहुत ज्यादा कि अरे एकादशी का कौन करेगा, वो हमें इतने नियम और पूजा पाठ में यकीन नहीं है, उसके लिए मत करो ना। फिर कोई बात नहीं, एकादशी जब आती है तो उस दिन पूरे दिन निराहार रहो, पानी पियो अच्छे से, खूब 100 ग्राम घी पी लो, तो कम से कम शरीर में 100 ग्राम घी दिन भर में पचने के लिए लगा दो, थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पीते रहो, तो उससे क्या होगा कि शरीर में अपना डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो वो सारे अंगों के लिए हुआ डिटॉक्सिफिकेशन जी जी। तो आप मतलब हमको हमारे देसी पद्धति ये सारा जो नवरात्र का व्रत है, जब आप नवरात्र शुरू होते हैं तब 9 दिन का व्रत से शुरू होता है, तो वो होता है इसीलिए कि उस समय इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उस समय व्रत से ही शुरू होता है इसका सीजन जो है ये नवरात्र, जब मौसम का बदलना होता है तो ऑटोमेटिक आप उपवास शुरू करिए उसको, तो यही तो पद्धति है। इसी कारण से तो ये सब जो तरीके हैं ये हमारे तरीकों को लेकर ये अपने नाम से हमको छाप देते हैं जी भाई। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमारे जो स्थापित चीजें हैं उन चीजों को करिए आराम से, उससे कोई ज्यादा घर के चीजें हैं सारी की सारी, और जो है अगर ज्यादा कुछ अगर पैसा देने का मन है तो कहीं पंचकर्म केंद्र पे जाके साल में एक बार अपनी सर्विसिंग करा लो, एक तरह से वो जो पंचकर्म होता है ना जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन सारा होता है जी। पंचकर्म आपको पता होगा ना क्या होता है?
ये आयुर्वेद में जो हमने सुना है जिसमें उल्टी कराना, मालिश होना, दस्त कराना, जो सारा होता है एनीमा वेनीमा जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सब उन्होंने हमारे यहीं से लिया है पूरा का पूरा। तो वो पांच पद्धतियां हैं, वो कहीं भी अच्छे जगह जाके करवा लीजिए, साल में एक बार तो एक बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है, तो उसकी कोई वो तो आयुर्वेदिक पद्धति है जी। ये और महीने में दो बार एकादशी का व्रत रखिए ना, आपको खुद देखो समझ में आ जाएगा क्या कितना अद्भुत है इसका रिजल्ट। जी भाई जी, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा था बच्चे को लेके, तो इसीलिए फोन पे अति आवश्यक था आपसे बात। नहीं नहीं ठीक है, आपने जो जो बात पूछी वो सबके मन में संदेह होता है, लेकिन उसका एक परिप्रेक्ष्य जब तक नहीं समझा जाएगा ना जी, तब तक है कि उसको एक जो उत्पाद बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करके, अगर हमको हमारे यहाँ एक वैक्सीन था तो कभी अगर हमारे ऋषि मुनि लाखों सालों से हमारी सभ्यता थी तो हमारे ऋषि मुनियों ने चेचक के अलावा बाकी वैक्सीन की भी पूरी पद्धति बनाते ना वो, लेकिन उन्होंने बनाया क्या, उन्होंने बनाया स्वर्णप्राश जी। जी भाई जी, उन्होंने कहा कि एक चेचक का बना दिया, फिर इसके तो आयुर्वेद में तो बुखार ही 248 प्रकार के हैं जी, तो कल को अब अगर बुखार हो गए तो 248 टीके बनाने लग जाएंगे अगर आयुर्वेद में के हैं, या कुछ और रोग है तो टीके लगाते रह जाएंगे जिंदगी भर। तो हमारे पूर्वज समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई बच्चों की इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो, लोगों की इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो, उसका उसका तरीका बनाया जाए ना जी, तो सिंपल। तो लेकिन अब जो है वो बाजारवाद है, तो उनको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टीके बनाओ, तो वो टीके बना के बेच रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, खत्म बात। तो हम उसके अंदर क्यों घुसे फिर हम। एक आखिरी क्वेश्चन भाई जी, आपसे बात करते करते ना मुद्दे निकल आ रहे हैं जो अभी तक मैंने जमा कर रखे थे। एक एनर्जी लेवल, जैसे मेरी उम्र है 32 साल की, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ और प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं जी, बट एनर्जी लेवल जो है ना मेरा डाउन रहता है, सुबह उठने की कोशिश करता हूँ नहीं हो पाता, और इस बीच ऑफिस में भी काफी डाउन हो जाता है, घर आते ही फिर मैं सरेंडर हो जाता हूँ 7-8 बजे, ऐसा होता है। एज क्या आपकी? 32, 32 साल का हूँ। नापी ठीक है आपकी? इसके लिए यहाँ पे कोई ऐसा उचित व्यक्ति मिला नहीं, मैंने सुना उसमें देखा कि नाभि चिकित्सा के लिए भी, लेकिन कोई व्यक्ति है या नहीं है मैंने कभी चेक ही नहीं कर रहे। करिए, खाली पेट जो है जी, नाभि का एक वीडियो है हमारा संदीप भाई, मैंने उनको सुना है हाँ, और उसके थ्रू मैंने ये भी देखा कि आप हर शहर में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो नाभि चिकित्सा जानता हो, आप उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो आगे उनको भी ट्रेन करें। हाँ, करने का फिर एक कोरोना काल आ गया, उसमें फिर कुछ जी जी और उसको उसके अंदर जो नाभि चेक करने का तरीका है ना जी, उस नाभि चेक करने तरीके से जिसमें वो अपने नाभि से निप्पल तक नापते है ना ऊपर जी धागे के, वहाँ धागे से, तो उसे नाप के ऊपर से वो खाली पेट देख लीजिए अगर आपके नाभि में दिक्कत है या नहीं है जी जी, तो जी उसे आपको पता चल जाएगा। तो ये जब मैंने सुना तो एक मेंबरशिप जो नॉमिनल ₹1000 भी जो एक था एक मेंबरशिप के लिए, मैंने वो भी किया, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, लेकिन शायद आपका शायद वो मैटर अभी होल्ड पे होगा तो आपने शायद उस पर नहीं विचार किया होगा। तो वो मैं इच्छुक था कि मैं इसके लिए वहां आऊं, मैं सीखूं समझूं, जैसे मैंने आपको आयुर्वेद में रुचि दिखाई, तो ये भी था, तो कभी हो भाई जी तो मुझे उसमें बताइए। हाँ, जब कभी आगे भी तो ये सब झंझट से निपट जाए, तो दुनिया को ये इन्होंने कर दिया एक दूसरे से अलग, तो उसके बाद कुछ जो बनाएंगे प्लान तो भी जरूर बताएंगे आपको। जी जी, तो ना भी ठीक करने ही वो एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है भाई जी कि और भी कुछ होगा आपने करना होगा इसके अलावा? मूल तो वही है, इस उम्र में नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए जी जी, कि एनर्जी लेवल ऐसे कम है, जो कि वो तभी होता है जब तक नाभि का सबसे पहले नाभि चेक करने के बाद ही फिर कुछ होगा जी, और जी। उसके बाद तब तक आप एक ब्रह्म रसायन जो है उसका सेवन डेली करिए, अगर ऐसा होने लगा है तो वो दोबारा से वो जो पूरा करने के लिए वो ब्रह्म रसायन हमारे वेबसाइट से मिलता है, वो ब्रह्म रसायन खाना शुरू करिए डेली जी, तो जी। वो बहुत अच्छा आपको लाभ देगा, वो बड़ा इंस्टेंट लाभ देता है, बड़ा अच्छा। ओके ओके भाई जी। और भाई जी एक चीज कि जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से आपसे मैं आज बात किया हूँ, 2 महीने से मैं आपसे फॉलोअप ले रहा था, बट आज कोई बात मैं आपसे भविष्य में ऐसा क्या करूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये वही व्यक्ति इफेक्टिव बातें होंगी तो हम समय बात होगी तो मुझे इनसे बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे लिए जो अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने में ज्यादा महत्व है मेरा, कि आपसे मैं बात करूंगा या किसी से बात करूंगा मेरे लिए उसका बहुत महत्व नहीं है। आप अपने परिवार के लिए समर्पित कुछ मतलब विवेकपूर्ण प्रश्न करेंगे तो मैं रात को 12 बजे भी उपलब्ध रहूंगा उत्तर देने के लिए, मेरे लिए उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है जी भाई। हाँ, क्योंकि देखो क्या है कि संदेश व्हाट्सएप हुआ सब तरीके से मेरे को
मतलब डेली कई सौ संदेश आते हैं तो सबसे बात करना संभव नहीं होता, लेकिन नहीं होता। मैं इसलिए निश्चिंत होकर किसी एक को समय देता हूँ जो जो उस समय कॉल कर लेता है जी, जी। तो मैं उससे बात कर लेता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति को जिस समय दो बोले कि इस दिन आप कॉल कर लेना और वो समय कॉल कर लेता है तो मतलब वो विषय के प्रति गंभीर है जी, जी अगर कोई किसी को मैंने बोला कल कॉल कर लेना वो दस दिन बाद कॉल करके बोला जी मैं भूल गया था तो भूल गए थे तो फिर आप उस विषय के प्रति सीरियस नहीं हो, अब तो वो अपने आप छट जाते हैं लोग बहुत सारे अपने आप ना। तो वही भाई जी ताकि आपकी मेमोरी में मैं छोटा सा एक व्यक्ति रहूं कि हाँ ये गंभीर है। नहीं मेरे भाई आप एक एक समर्पित पिता हो और आपसे बात मेरी हुई, मैं मतलब इतना तो मैं ध्यान रखूंगा कि आपसे मेरी बात हुई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी भाई जी। तो मैं जब भी आपसे बात करना होगा मैं एफबी पे या व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, मुझे समय दे दीजिएगा भाई जी, मैं समय आपसे कभी कुछ रहा तो आप ऐसा अगर जो मैसेज से हो सके एक दूसरे के साथ बातचीत वो मैं मैसेज के थ्रू कर दूंगा, अगर कुछ बहुत ऐसी आवश्यकता जिसे बात करने की आवश्यकता है तो फिर मुझे आप एसएमएस कर देना ज्यादा उचित रहेगा जी, मैं वैसा ही करता हूँ फिर, ठीक है ना जी, धन्यवाद। व्हाट्सएप पे तो बहुत संदेश आते हैं लेकिन जब कोई अर्जेंट अर्जेंट होता है तो मैं एसएमएस ही भेजना किसी के लिए ठीक रहता है जी। जी ठीक है भाई जी, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाह रहा हूँ ऐसे कुछ तरह के संशय हो तो मैं आपसे बात करता रहूँ, क्लियर होता रहूँ और एक मार्गदर्शन करे ताकि आप जिस रास्ते पे निकले हैं मैं आपको फॉलो करते मैं भी कुछ कर सकूं, तो ये आप रास्ता दिखाते रहिएगा भाई जी। जरूर, और बस एक थोड़ा सा निवेदन था, मेरा नंबर हासिल कर लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति अनुचित समय नहीं लेगा। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है जी जी भाई जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।